नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताजा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो लोगों के लिए भारी चेतावनी जारी हुई है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में 2 जून तक खराब रहेगा मौसम, इस मानसून में सामान्य से कम बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश की संभावना है, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 व 30 मई को कई भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 31 मई को भारी बारिश व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बता दें कि 1 व 2 जून के लिए भी अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। अलर्ट के बीच आज दोपहर राजधानी शिमला व आसपास के भागों में मौसम बिगड़ा रहा। इस दौरान अंधड़ चलने के साथ झमाझम बारिश हुई। दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन व सिरमौर जिले में भारी बारिश हो सकती है, जबकि चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी व बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में वर्षा सामान्य रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून मौसमी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश सहित देश के उत्तर पश्चिम भागों में मानसून सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने की 50% संभावना है। तो कुल मिलाकर यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। तो इस दौरान मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।